हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम को 6:30 बजे से। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांति। तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं शाम को ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से भी ये था कि क्या करना है। जो हमारे यहाँ पे आज के दिन क्या होता है ना, घी खाते हैं, तो बच्चे स्कूल गए थे या रावत जी कंपनी गए थे। वैसे सुबह सुबह मैंने उनको घी तो दे दिया था, लेकिन कुछ मैंने कहा खीर बनाऊँगी, पकौड़ी वगैरह बनाऊँगी, तो मैं अब बनाऊँगी रात को जब हम सब साथ में रहेंगे और साथ में खाएँगे। तो मैंने ना फ्रेंड को भी बुला रखा है इधर ही, मैंने कहा इधर ही आ जाना, साथ में मिल के बनाएँगे और मिल के खाएँगे, तो वो भी आएगी अभी। तो मैंने ना अभी खीर बना दी है, तो यहाँ पर मैंने खीर बना दी है और यहाँ पे बना दी मैंने कद्दू की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने पकोड़ी के लिए भिगा रखे हैं मूंग दाल। तो यहाँ पे मैंने ना पूड़ी के लिए आटा भी लगा रखा है, मैंने कहा थोड़ी सी पूड़ी भी बनाएंगे, तो इसको ऐसे ढक देते हैं। तो फ्रेंड ने भी बोला है कि वो रयांस की दाल लेके आएगी। उस समय जब मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने बोला मैं भिगाने रख देती हूँ, उसके बाद अभी हम उसकी भी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो मैं ना फर्स्ट टाइम खाऊंगी रयास दाल की पकौड़ियाँ। तो चलो दोस्तों, अभी धीरे धीरे करके काम निपटाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को उत्तराखंड लोक पर्व घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ना घी जरूर खाना। हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं कि जो ना आज के दिन घी नहीं खाता, वो अगले जन्म में ना गंडेल बन जाता है, यानी कि स्नेल बन जाता है। स्नेल। तो ना हेलो, बाय बाय। आज के दिन वैसे तो घी तो हमारे घर पे चलो ये है कि डेली खाई जाती है, क्योंकि मैं जो स्कूल और लंच बॉक्स के लिए रावत जी ले जाते हैं पराठे, तो मैं वो घी में ही बनाती हूँ। लेकिन ये है कि आज के दिन बोलते हैं भूलना नहीं चाहिए घी खाना। तो सुबह तो खा ली है, अभी भी मैंने ना उसमें सब्जी में डाल दी है घी, और खीर में डाल के भी खाते हैं आज के दिन की। तो चलो दोस्तों, अब लगती हूँ मैं बाकी के कामों पे। देखती हूँ, अभी पहले रावत जी को फ़ोन करती हूँ, फ्रेंड को भी फ़ोन करती हूँ कि वो कितने कितने बजे तक आएंगे। ये आ गए रावत जी। आइए, आपका इंतजार है। स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम। मेरे ब्लाउज सिल गए, बोला आप लेके नहीं आए, लेके आ जाते। मैं देख लेती अभी कैसे सिले हैं जरा। बोला चलो हम लेके लेने चलते हैं। मेरा फोन ले जा लो, गूगल पे कर देना। जा ठीक है, लाओ फोन। इनकी हिम्मत नहीं हुई अकेले जाने की, तो मुझे जाना पड़ रहा है। मैं झट से जाती हूँ और झट से लेके आती हूँ मैं अपने ब्लाउज। सिल्ली भैया, जो मैं ऐसे कलर का दूसरा ब्लाउज लेके आऊँगी ना, उस पर लगाना था उसका पाइपिंग वगैरह वगैरह थोड़ा सा, जैसे उसके ब्लाउज पे लगाना था ऐसे। इतना तो नहीं होगा ऐसा पाइपिंग, आपको चाहिए तो मैं उस टाइप का ढूंढ के दे सकता हूँ। तो हम ब्लाउज लेके आ गए हैं और अब मैं कल देखूंगी इनको कि कैसे सिले हैं, फिर जाके और ब्लाउज दूंगी मैं उनको। भाई थक गई। आपका इंतजार है। नमस्ते बाबू, आइए आइए, भेजे मस्ते। हाँ वैसे तो मैं आ रही आनू वाला। नमस्ते नमस्ते बेटा, क्या ध्यान से सुन। अपर बात, 3 दिन लगातार क्लास से चलो पढ़ने दो उसको। 3 दिन लगातार क्लास आदिल आदिल ने भरना भाई को 1000 रुपये देना चाचे का स्कूल। हाँ तो ये क्लास यहाँ पे ना मेरा पूजा के लिए पहले मैं पूजा बनाए दी। ठीक ठीक
पूड़ी बना दी है, पकौड़ियाँ बन रही हैं। ये पहले मैं पूजा के लिए बना रही हूँ, गाय के लिए इधर रख दिया है। अभी बन रही है हमारी चाय और यहाँ पे बन रहे लगे हमारे क्या बोलते हैं पकौड़े, मूंग के मंगोड़े, मूंग का दाल का मंगोड़ा बोल रही, मूंग दाल के मंगोड़े और यहाँ इसकी पकौड़ियाँ। और यहाँ पे हो रही है क्लास अटेंड, ये है रयास दाल के पकोड़े, रयास अगर के बोल दी मैं लोबिया, हाँ सही बात है लोबिया के पकोड़े। देखो चलो अब मैं ये बनाती हूँ, देखो आंटी ने कितने अच्छे गोल गोल बना रखे हैं, मैंने कैसे बना रखे थे वो। और वो तुम्हें बोलो छो दद्दा आंद अहमदाबाद बट मुइल वो खान सीढ़ी में वो तो अंदर हो किसे के लिए लेके पूछ इवन पतिता है वास कोड़ी जाना। हमारी पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, मस्त फूल रही हैं बर्गर जैसे। खीरा में घी भी डाल दे वो यू आ रहे आंटी को घी की कटोरी दो। बेचारा अपनी रिपोर्ट के लिए अपने पापा के आगे पीछे घूम रहा है कि पापा मुझे कल रिपोर्ट बोलनी है। हैं हैं आ रहे हो, रिपोर्ट बोलनी है कि दिखानी है, रिपोर्ट बोलनी है। उसने कौन सी कंट्री की स्पीच भी, कौन सी कंट्री की, जॉर्डन, जॉर्डन इसने पहले से बताया नहीं तो आज जाके मैसेज आया कि कल इसकी क्लास है। हे राम, तो अब रावत जी पहले उसके लिए रिपोर्ट लिखेंगे फिर स्पीच लिखेंगे तो फ्रेंड भी चली गई है घर पे, टाइम भी हो गया 10:45 और हम लोग क्या करते हैं ना जैसे पूड़ी बनानी है, एक बेल रहा है एक बना रहा है, बर्तन भी ऐसे एक बर्तन धो रहा है तो एक किचन की सफाई कर रहा है तो जल्दी से हमारा काम निपट जाता है, उसका हो या मेरा, उसके घर पे हो या मेरे घर पे हो तो ऐसे ही निपट जाता है हमारा काम, झट से मिल बांट के काम करते ना। और अब रावत जी बैठ गए अपने काम पे, आप सो जाओ हाँ, वो लिख रहे हैं आरब के लिए स्पीच और रिपोर्ट। और मेरे अभी बस एक काम बचा है कि जो मैंने बर्तन की टोकरी भर रखी है ना धो के वो थोड़ा सेट करने हैं, तो जब तक रावत जी वो करते हैं क्या नाम है स्पीच लिखते हैं रिपोर्ट लिखते हैं तब तक मैं जल्द से वो काम कर देती हूँ। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपके नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गर्मी हो रही है भयंकर।